अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार भरी गेंद हार्दिक पांड्या के हेलमेट में दे मारी तो हार्दिक पांड्या ने ऐसा जवाब दिया जिसे उमरान मलिक जिंदगी भर याद रखेंगे। पांड्या ने कैसे इस गेंदबाज को सबक सिखाया और चौके और छक्कों की बारिश कर दी, ये सब तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का एक और घमासान मुकाबला। आईपीएल 2022 में नहीं हार रही टीम गुजरात टाइटंस और एक ऐसी टीम जिसे जीत की तलाश है यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला जा रहा है। पाटिल के मैदान में दोस्तों ये मुकाबला शुरू हुआ। किस्मत अच्छी थी, केन विलियमसन ने टॉस जीता, जाहिर सी बात है पहले गेंदबाजी ही चुनी। मैदान में दोस्तों पांड्या और पांड्या की पलटन को उन्होंने बल्लेबाजी का न्योता तो दिया, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि आज मैदान में आकर पांड्या ही उनकी टीम की बखियां उधेड़ कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत ज्यादा कुछ खास नहीं थी। पारी के छठे ओवर तक स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन लगे नहीं थे और तब तक ना सिर्फ शुभमन गिल बल्कि साई सुदर्शन का भी विकेट गिर गया। दोनों खिलाड़ी मिलकर 20 से 25 रन ही बना पाए थे। मैथ्यू वेट स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, 19 गेंद में 19 रन लगाए थे कि उमरान मलिक आए और 8वें ओवर में उनको भी LBW आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों उमरान मलिक ने जब पांड्या को आउट करने का प्रयास किया तो ऐसा रवैया अपनाया कि देखकर शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। ये वाक्य 200 पारी के 8वें ओवर का है। उमरान मलिक के सामने हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने चौकों से गेंदबाजों का स्वागत करना शुरू कर दिया था। इसीलिए ओवर की पहली गेंद को अपनी रफ्तार के साथ मिलाकर उन्होंने एक जबरदस्त शॉट गेंद में तब्दील कर दिया। गेंद टप्पा पड़ने के बाद इतनी ज्यादा बाउंस हुई कि पलक झपकते ही पांड्या के हेलमेट में जा लगी। मैच को रोकना पड़ा और हार्दिक पांड्या को चेक भी कराना पड़ा। लेकिन उसके बाद पांड्या ने जो किया उसे उमरान मलिक शायद आईपीएल 2022 के सीजन के अंत तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों उमरान मलिक ने अगली गेंद को भी बहुत ज्यादा रफ्तार वाली गेंद में तब्दील कर दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे कि तैयार खड़े थे उमरान मलिक को लेसन सिखाने के लिए। आपको बता दें कि फ्रंट लेग साइड की तरफ से हार्दिक पांड्या ने इतना तेज तर्रार शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से स्टेडियम के बाहर ही जाकर रुकी, इससे पहले कि कोई फील्डर घूमकर गेंद को देख भी पाता। गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और ये चौका हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर भी पांड्या का प्रहार जारी था। दोस्तों पांड्या ने अगली गेंद पर टीप मिड विकेट की तरफ से एक और घमासान चौका जड़ दिया। उमरान मलिक की आंखें चौड़ी हो गई थी, लेकिन इस ओवर में वो एक विकेट लेने में भी कामयाब रहे। मैथ्यू वेट का विकेट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन इसका बदला अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी छक्के से पूरा किया। दोस्तों आपको बता दें कि अगले ओवर की 3 गेंद तक पांड्या ने एक भी रन नहीं बनाया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक स्लोअर गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला घुमाया और ऐसा हेलीकॉप्टर छक्का जड़ा के देखकर हर कोई हैरान रह गया। और इसी तरीके से दोस्तों पांड्या ने अपने सर में लगी गेंद का बदला भी पूरा कर लिया, 2 चौके और 1 छक्का लगाकर। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का तूफान जारी रहा और आगे चलकर आज हार्दिक पांड्या ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से न सिर्फ 45 रन बना दिए थे बल्कि अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। और वो हार्दिक पांड्या ही थे दोस्तों जो गुजरात को 150 तक ले गए और अपना 50 भी पूरा करते नजर आए। लेकिन दोस्तों आप सभी हार्दिक पांड्या के इस छक्के को उनके द्वारा लिए गए बदले को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।